press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। क्यों नहीं जीत सकते हैं और मोदी जी 400 पार सीटें क्यों लेकर के आएंगे? तो देखिए, भारत 53 साल से बहुत सहमा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 या 2014 के इतिहास से पहले आपको भारत के इतने कंटेंट नहीं मिलते होंगे, या जो पुराने जो पत्रकार हैं आपके, जो पुराने रिपोर्टर हैं, आप उनसे बैठ करके बात कीजिएगा तो आप, वो लोग भी आपको बताएंगे पाकिस्तान के, कि भारत में इतना सक्सेस और इतनी उन्नति और इतना डेवलपमेंट जो 10 सालों में कंटेंट पाकिस्तानी रिपोर्टर को या देश विदेश के रिपोर्टर्स को मिला है, ये पहले कभी नहीं मिलता था। कभी कदार कोई एक न्यूज या दो न्यूज महीने, दो महीने, चार महीने में पाकिस्तान पे चल जाती थी, वो भी मनमोहन सिंह जी जब ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब पाकिस्तान बड़ा खुशी खुशी चलाता था कि देखो कांग्रेस की सरकार भारत के मुसलमानों को पहला हक दे रही है। या फिर कभी कभी चल जाता था कि असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि भाई भारत के मुसलमान बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत कुचले हुए हैं, तो पाकिस्तान खुश हो जाता था कि देखो असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो इसके अलावा कोई डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट और सक्सेस या अचीवमेंट के बारे में कोई कंटेंट होता भी नहीं था और आप लोग चलाते भी नहीं थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने अपोजिशन पार्टी को खत्म नहीं किया है। हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है भारत के प्रति, हमने सिर्फ अपने कार्य किए हैं भारत के प्रति, हमने इस मातृभूमि को अपनी माँ माना और अपने माँ की जैसे सुरक्षा की जाती है, अपने माँ की जैसे इज्जत की जाती है, उसी तरीके से भारत की मिट्टी का हमने सुरक्षा भी किया और हमने इसको माँ समझ करके इज्जत भी किया और इसके प्रति, इस मातृभूमि के प्रति जितने कार्य करने थे उसका हमने कर्तव्य निभाया। अब देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दल क्यों खत्म हो गए? सबसे ज्यादा तो मैं कांग्रेस के बारे में आपको बताना चाहूंगी। कांग्रेस के इस्लामिक मोहब्बत ने कांग्रेस को देश की पार्टी से मोहल्ले की पार्टी बना दी। जिस देश में 82.7% सनातनी रहते हैं, उस देश में आप शरिया लॉ चलाने की बात करेंगे तो भारतवासी पसंद नहीं करेंगे, जो देश संवैधानिक है, और कांग्रेस ने हमेशा शरिया लॉ चलाने की कोशिश की। भारत को इंडिया बनाने का काम कांग्रेस ने किया, जबकि भारत नाम था, संविधान इस बात का गवाह है, 1949 से संविधान इस बात का गवाह है कि भारत को भारत ही बोला गया था, पर इंडिया बनाने का काम जो है वो कांग्रेसियों ने किया। आर्टिकल 370 लगा करके कांग्रेसियों ने कश्मीर को खत्म करके पाकिस्तान बनाने की कोशिश की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान होते हुए रिकॉग्निशन कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। वक्फ बोर्ड को खुली छूट दे करके 2,00,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया वक्फ बोर्ड को। मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड होता है और मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ लॉ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ बोर्ड होता है, पर वो इस्लामिक देश होता है, वो संवैधानिक देश नहीं होता है। अब अरब में वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की का मंत्रालय है, तो वो इस्लामिक देश है इसलिए, पर भारत संवैधानिक देश है। और ये वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस ने पाला पोसा और 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले भी राहुल बाबा और इटली की फिरंगी औरत सोनिया एंटोनियो ने क्या किया था, 123 बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को डोनेट किया था, किस लिए? कि मुसलमानों का वोट उनके पास आएगा। हालांकि क्या कर रहा है कोई, क्या लेट मी कंप्लीट, मैं बता रही हूँ, 123 प्रॉपर्टी इन्होंने क्या किया था, कांग्रेसियों ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को तोहफे में दे दी। जैसे सोनिया एंटोनियो इटली से बाप का जागीर जहेज में लेकर के आई थी, जो भारत की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को बांट रही थी। अब
हालांकि 2014 में सरकार नहीं आई कांग्रेस की, लेकिन वो 123 प्रॉपर्टी पर तो ठप्पा लगा दिया वक्फ बोर्ड ने। अब ये वक्फ बोर्ड जो 20 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक है और 135 करोड़ रुपया रेवेन्यू हर साल आता है, ये पैसे कहाँ पर लगते हैं? ये पैसे जिहादियों, आतंकियों, जंगजू को बचाने में लगते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका में जब हम 3 तलाक फाइल करते हैं तो वो 3 तलाक बैन कर ना हो उसके लिए सारा पैसा खर्च करते हैं। अब अफजल गुरु, याकूब मेमन, यासीन मलिक जैसे लोगों को बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड पैसा खर्च करता है। तो मुसलमानों के ऊपर खर्च करे जो कि बेचारे पढ़ नहीं पा रहे, जो कि दलितों से भी नीचे हैं, इनको तो इंटरनेशनल स्कूल बनाने चाहिए अच्छे अच्छे। यही सवाल मेरा है, अगर 20 लाख करोड़ की संपत्ति आपके पास है तो धड़ल्ले से बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्कूल, यूनिवर्सिटी आप और उस पर बोर्ड मार दीजिए कि इसमें सिर्फ मुसलमान बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। बच्चियों को आप MBBS बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जज बनाइए, वकील बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, मैजिस्ट्रेट बनाइए, पुलिस बनाइए, आप IPS बनाइए, IAS बनाइए। तो नहीं बनाना नहीं है इन्हें, इन्हें क्या करना है? ओ अच्छा, अफजल गुरु जेल चला गया है, अरबों रुपए खर्च करो और अफजल गुरु को बचा कर लेकर आओ। अच्छा, याकूब मेमन जेल चला गया है, अरबों रुपए खर्च करो और याकूब मेमन को बचा करके लाओ। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का पैसा यहाँ खर्च होता है, यहाँ पर खर्च होता है। अब क्या किया कांग्रेसियों ने, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 53 साल में बम ही फूटता रहता था, हिंदू मुस्लिम राइट ही होता रहता था। कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी थी, मुसलमानों को कहो कि हिंदू काफिर है और हिंदू से बचो, और डिवाइड करते रहते थे नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक, और रूल करने के लिए सत्ता पर बैठे रहते थे। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, अजमल कसब के ऊपर 30 करोड़ रुपए सरकार और जनता के खजाने का पैसा खर्च होता था। यहाँ तक के PM ऑफिस से चिट्ठी जाती थी महाराष्ट्र की सरकार को कि ये फलाना रेस्टोरेंट का बिरयानी अजमल कसब को पहुंचाया जाए, फलाना डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए अजमल कसब का। तो ये सब किया है कांग्रेसियों ने। अब देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये लोग खुलवाते थे सुबह के 4 बजे तक, किसके लिए? अफजल गुरु जैसे जिहादी के लिए, जो भारत के पार्लियामेंट पर अटैक करता था, और निर्भया के बलात्कारियों के लिए सुबह के 4 बजे तक खुलवाते थे। ये कांग्रेस के जमाने में होता था। ये पाकिस्तानी और इस्लामिक मोहब्बत ने कांग्रेस को खत्म कर डाला, और भारतवासी जिन्होंने कांग्रेस को 53 साल वक्त दिया, अब जाकर के ऊब गए और तंग आ गए और कहने लगे कि ना ना भैया, तू दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। भारत के संविधान में ओरिजिनल संविधान उठाइएगा, उसमें भगवान राम के चित्र थे, उसमें नटराज मूर्ति के चित्र थी, उसमें रथ के चित्र थे, उसमें अर्जुना के चित्र थे, उसमें महावीर जी के चित्र थे, उसमें राजा राम मोहन रे के चित्र थे। उन सबको इंदिरा गांधी जी ने हटाया, उन सबको इंदिरा गांधी जी ने साइड करवा दिया। भारत के सिविलाइजेशन को खत्म किया इंदिरा गांधी जी ने, भारत की सभ्यता को खत्म किया इंदिरा गांधी जी ने, भारत के संस्कार और संस्कृति को खत्म किया, और सिर्फ मुंह से नहीं, अपने अपने कार्य से खत्म किया। यहां तक के संविधान में छेड़छाड़ करके ओरिजिनल संविधान के सारे चित्र को उन्होंने हटा दिया, भगवान राम के चित्र को हटा दिया संविधान से। 1936 में बाबरी मस्जिद में जाकर के कोई नमाज तो पढ़ना दूर शैला, ये इतिहास के पन्नों में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, और नेहरू के कई लेटर्स जो गांधी को लिखे जाते थे वो उठा करके देखिएगा। 1936 से कोई मुसलमान बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वहां के गंदगी और कूड़े और कचड़े और झोल को झाड़ने भी नहीं जाता था, खंडर बन चुकी थी वो मस्जिद। और जब 12 मुसलमानों ने एफिडेविट दे करके कहा कि ये बाबरी मस्जिद कभी थी ही नहीं, ये राम मंदिर थी, यहाँ पर राम 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 भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा आप लोग कर लीजिए, तब नेहरू ने कहा के अय्यर जी को कि बंद करो ताला और होने दो लड़ाई हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि डिवाइड एंड रूल कांग्रेस को पसंद था। मामला तो उसी वक्त खत्म हो जाता, पर नेहरू कभी नहीं चाहता था कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए। नेहरू से लेकर के गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया, एंटोनियो, कभी नहीं चाहिए कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, एकजुट होकर के भारत की तरक्की में अपनी तरक्की ढूंढे, ये कभी ये लोग नहीं चाहते थे। अब उसके बाद भारत के संसाधनों पर पहला मुसलमान का ये बोलने की क्या जरूरत थी, जिस देश में आप हो वो संवैधानिक देश है, जिस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने थे, क्या उनको होश नहीं था
कि इस देश में 82.7% सनातनी है, आपने एक समुदाय को खुश करने के लिए आपने 82.7% एक भारी मात्रा मेजोरिटी के दिल में तकलीफ पहुंचाई, और अब हिंदुओं की संपत्ति का एक्सरे कराने के लिए उतर गए राहुल बाबा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की संपत्ति का एक्सरे कराएंगे और उनकी संपत्ति का पूरा एक हिस्सा लेकर के मुसलमानों को बांट देंगे। अब भगवान राम को काल्पनिक कौन बोलता था? यही सोनिया एंटोनियो बोलती थी कि भगवान राम काल्पनिक है, और भगवान राम को काल्पनिक बनाने के लिए वो वकीलों की फौज सर्वोच्च न्यायपालिका में भेजती थी, अपनी बात को मनवाने के लिए वो सर्वोच्च न्यायपालिका में दर्जन दर्जन भर वकील भेजती थी कि साबित करो कि भगवान राम काल्पनिक है। मैं पूछना चाहती हूँ शैला कि अगर हम अल कुरान की किताब को पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है कि अशदों की उंगली उठने से चांद रुक गया या पहाड़ रुक गया, अगर ये मिरेकल को हम मान सकते हैं, चांद के दो टुकड़े हो गए, अगर अल कुरान के हिसाब से ये मिरेकल हम मान सकते हैं, अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ते हुए घोड़े पर उड़ करके जन्नत जा सकते हैं, अगर इस मिरेकल को हम मान सकते हैं, तो किसी और कोई और धर्म का व्यक्ति अगर अपनी धार्मिक चीजों को मिरेकल को मिरेकल मानता है तो उसमें आपत्ति करने वाले हम कौन होते हैं? नहीं नहीं, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं करनी चाहिए। जब अशदों से पहाड़ रुक सकता है, अशद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वो अशद अन्ना से पहाड़ रुक सकता है, इस मिरेकल को नाजिया इलाही खान और शैला खान मान सकती है, तो भगवान राम को अगर उनके धर्म के लोग मान रहे हैं और उस मिरेकल को मान रहे हैं तो मानने दो ना। अगर चांद के दो टुकड़े हमारे अल कुरान में हो सकते हैं तो हनुमान जी सूरज क्यों नहीं निगल सकते हैं? निगल ही सकते हैं। उनके धर्म के हिसाब से उनका मिरेकल हो सकता है, हमारे मजहब के हिसाब से हमारा मिरेकल हो सकता है। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान और नाजिया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया इलाही खान जी ने बात की कांग्रेस से लेके वक्फ बोर्ड की, खासकर वक्फ बोर्ड की जो पूरी तरह से पोल खोली और उनको एक्सपोज करके रख दिया, कहां से उनका पैसा आता है और कहां पे उनका पैसा लगता है। और जैसे कि आपने देखा नाजिया इलाही खान जी ने गांधी परिवार की बात भी की और खासकर कांग्रेस की बात की जो 400 से 40 पे आ गई है, और जैसे कि नाजिया इलाही खान जी ने कहा कांग्रेस जो कि एक नेशनल पार्टी थी अब वो एक मोहल्ले की पार्टी बन के रह गई है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।